हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्शन नेटवर्क। मैं हूँ आपका दोस्त और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। यानी कि अगर मान लो मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है रिलेटेड टू माइनस की, मुझे कोई वैल्यू को किसी वैल्यू से माइनस करके दिखाना है, तो ये काम मैं एक्सेल के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, इस चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास इन दो सेल्स के अंदर कोई वैल्यू लिखी गई है और इस वैल्यूज को मैं एक दूसरे के साथ माइनस करके देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि जिस सेल के अंदर मुझे रिजल्ट लाना है उस सेल के ऊपर मैं जाऊंगा और वहां पर जाकर मैंने टाइप करना है इक्वल टू। अब जैसे ही मैंने इक्वल टू टाइप किया तो सबसे पहले मैं उस सेल का एड्रेस पास करूंगा जिसमें से कोई वैल्यू मुझे माइनस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे 69 वैल्यू से कोई वैल्यू माइनस करनी है। इसके बाद माइनस का सिंबल प्रेस करेंगे और जिस वैल्यू को आपको माइनस करना है आप उस वैल्यू के सेल को पास कर दीजिए तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा और देन जैसे ही हम एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू होगी 30, जो कि आपके 69 में से 56 को लेस करने के बाद में। ये काम अगर हम हॉरिजॉन्टल के अंदर करें तो भी बिल्कुल सेम ही होगा, उसके लिए इक्वल टू प्रेस करो, इसके बाद फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दो अपनी सेकंड वैल्यू से और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने मेरा आंसर होगा सॉरी इक्वल टू पहला सेल माइनस दूसरा एंटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है वो नेगेटिव में मिली है। उसका रीजन ये है कि जिस वैल्यू को मैंने जिस वैल्यू से लेस किया है वो वैल्यू छोटी है, जबकि जिस वैल्यू को मैंने लेस किया है वो वैल्यू बड़ी है। फर्स्ट पर हमें जो आंसर मिला है वो माइनस में मिला है, जबकि इस वाले ऑप्शन के अंदर जिस वैल्यू को मैंने माइनस किया है वो वैल्यू छोटी है जिससे मैंने माइनस किया। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसके लिए कोई फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं होती। एक्सेल के अंदर एक छोटा सा मेथड है जिसके अंदर हम इस बेस की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि एक्सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और इससे एक्सेल बनने की कोशिश जारी रखें। तब तक लिए